नमस्कार। हमारी केंद्र सरकार से छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए दो प्रमुख मांगे हैं। हम आग्रह करते हैं केंद्र सरकार संवेदनशीलता से उन मांगों की तरफ से ध्यान दे। नंबर एक, 20 लाख करोड़ का आपने पैकेज अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए दिया, अभी तक किसी वर्ग के पास उस पैकेज का कोई लाभ नहीं पहुंचा है। पहले उसमें छात्रों छात्राओं का भी आप ख्याल रखिए, पिछले छह महीने की जो फीस है, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उसमें कुछ ना कुछ राहत छात्र और छात्राओं को अवश्य मिले, ये पहली हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग, जैसे पूरे विश्व के अंदर अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों से लेकर यूरोप के विश्वविद्यालयों तक इस वर्ष हर पूरे विश्व के अंदर छात्रों को कॉलेज सेमेस्टर जहां सिस्टम लागू है वहां पर या तो इंटरनल्स के आधार पे या कोई असाइनमेंट देकर या उनके पुराने जितने सेमेस्टर्स हैं उनके अंकों के आधार पर प्रमोट करने का, पास करने का एक नीति हर यूनिवर्सिटी लेके आई, हर पूरे दुनिया के अंदर इसको लागू किया गया। हमारे देश में जिस देश में सबसे तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, सबसे तेजी से कोरोना संक्रमण का रेट आज हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर हम पहुंच गए हैं, जल्दी दूसरे नंबर पर पहुंचने जा रहे हैं दुनिया के अंदर कोरोना संक्रमण के मामले में। यहां पर क्यों हम छात्रों की के सेहत को, स्वास्थ्य को खतरे में डालना चाहते हैं? हमारी मांग है कि नीति बनाकर सभी छात्रों को प्रमोट किया जाए। सुनने में आया कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है या करा जाएगा, मगर फाइनल ईयर को के छात्रों से इम्तिहान लिया जाएगा। क्यों भाई, क्या उनकी सेहत का उनको प्यारे नहीं है? फाइनल ईयर के छात्रों को क्या राइट टू इक्वालिटी नहीं है इस देश में? राइट टू हेल्थ नहीं है? उनको क्यों गिनी पिग बनाया जा रहा है और ये कहना कि उनकी डिग्री में कुछ कमी आ जाएगी? क्यों भाई, ये सेमेस्टर सिस्टम है पोखरियाल साहब, इस सेमेस्टर सिस्टम में सारे सेमेस्टर बराबर होते हैं। फर्स्ट ईयर के एक सेमेस्टर में आपने राहत दी, उनको भी 500 अंक की राहत है, 500 अंक में राहत है। ऐसे ही फाइनल ईयर में अगर आप राहत देंगे तो 500 अंक का ही होता है जो फाइनल इम्तिहान होता है कॉलेज में, कोई उस इम्तिहान के हिसाब से जो है कोई अलग कोई उनकी डिग्री में प्रभाव नहीं पड़ता, उतना ही पड़ता है जितना किसी भी सेमेस्टर के अंकों का पड़ता है। तो मेरे पुरजोर मांग है कि इस सर की निराधार बातों को छोड़िए, छात्रों को योजनाबद्ध तरीके से नीतिगत फैसला लेकर आप प्रमोट करने का काम करिए, उनके पुराने उनके रिकॉर्ड को देखते हुए उस आधार पर, ताकि वो अपने भविष्य को लेकर जितनी भी शंकाएं जितने प्रश्न चिन्ह है उन पे पूर्ण विराम लग सके। मैं अपनी ओर से अंत में एनएसयूआई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एनएसयूआई ने जिस प्रकार से इस आंदोलन का नेतृत्व किया है, राष्ट्रीय नेतृत्व की बात हो, हरियाणा के नेतृत्व की बात हो, राजस्थान की बात हो, पंजाब की बात हो, दिल्ली के नेतृत्व की बात हो, यूपी की बात हो, मैंने स्वयं देखा प्रत्यक्ष किस प्रकार से एनएसयूआई इससे जूझ रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूर्ण समर्थन एनएसयूआई की इस मांग को और इस मांग को लेकर उठाए गए इस आंदोलन को।